अस्सलाम वालेकुम। हेलो वर्ल्ड हैकर्स, आई एम डाटा हैकर। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मेन के अपने कंप्यूटर में विंडोज़ की मदद से अपनी पार्टीशन, हार्ड डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं। क्योंकि जब क्योंकि ये मेथड हम स्टेप वाइज लेकर चलेंगे ना, जिस तरह से आप अपना सिस्टम लेते हैं, सेटअप करते हैं, टोटली उस स्टेप बाई स्टेप से लेकर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेन के स्टेप बाय स्टेप इसको। तो बात यह है कि मेन के जब आप लेते हैं नया सिस्टम, तो आपको पार्टीशन करनी होती हैं। एक में मेन के सी फाइल, जिसमें आप विंडो वगैरह या लिनक्स वगैरह रखनी होती है। उसके अलावा जो फाइल्स के लिए पार्टीशन करनी होती हैं वो। तो आज मैं आपको मेन के करके दिखाऊंगा आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेन के पार्टीशन कर सकते हैं। अपनी हार्ड की एक पार्टीशन को ज़्यादा पार्टीशन में क्रिएट करके दिखाऊंगा आज आपको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च कर लेना है। ये है कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च करने के बाद इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह की डिस्प्ले शो होगी। मीन के ये इस तरह का सिस्टम होता है डिस्क मैनेजमेंट। तो ये तकरीबन विंडो 10, विंडो 8 सभी में इस तरह ही कोई होता है। थोड़ा सा विंडो एक्सपी में थोड़ा चेंज होता है। तो आपने डिस्क मैनेजमेंट में चला जाना है। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद ये साइड पे शो हो रहा है डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारी अभी मेन के डिस्क 0, जो हार्ड डिस्क हमारी लगी हुई है, वो शो करवा रहा है। तो ये हमारी डी ड्राइव है, जो आज हम इसको मेन के करने लगे हैं पार्टीशन में तब्दील। तो मेन के ये तो अभी मेरी जो बनी हुई है वो तो मेरी शो हो रही है प्रॉपर। तो अभी मैं जो जो न्यू वॉल्यूम के नेम से ना डी फाइल, इसको मेन के करूँगा पार्टीशन। तो सबसे पहले मेन के आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डिलीट पार्टीशन, मेन के डिलीट वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिलीट करना है। फिर उसके बाद श्रिंक करेंगे, मेन के इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से डिलीट वॉल्यूम कर लेना है। ये आपसे मेन के पूछेगा कि डाटा आपका डिलीट हो सकता है तो आप करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो खाली है हमारी पार्टीशन, तो हम कर रहे हैं, यस करते हैं इसको। तो ये मेन के इन एलोकेटेड हो गया, एलोकेट मेन के ये यहाँ पे भी आपको शो करवा दूँ। तो ये भी मेन के 3 फाइल्स, 1, 2, 3 फाइल्स मेन के सी, अदर्स और एक वॉल्यूम एफ। जो हमारी ये वाली वॉल्यूम है ना, ये हमारी वॉल्यूम अभी शो नहीं हो रही है, क्योंकि इसको हमने अनएलोकेटेड कर दिया है, इसके वॉल्यूम को डिलीट कर दिया है। अब हम इसको करेंगे डिवाइड करेंगे कैसे। तो इधर से हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू न्यू सिंपल वॉल्यूम, ठीक है। इधर से आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेन के टोटली जितना भी साइज़ है, ये A to Z सारा आपको दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जितनी MB, ये MB में मेन के इनको डिवाइड करना होता है। तो ये अभी दिखा रहा है हमें तकरीबन 1,13,000, ठीक है, MB शो करवा रहा है हमें। तो अभी हम इसको शो करवाते हैं, करते हैं मेन के डिवाइड। फ़र्ज़ करें कि हमने एक बनानी है, हम बना लेते हैं 20,000 मतलब कि 20 GB, ठीक है। इधर से आप नेक्स्ट करोगे तो डी ड्राइव के नेम से ये शो होगी। तो यहाँ से आपने इजी मेन के कोई और चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ से मेन के अगर आप लेबल कुछ देना चाहते हैं, यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ माई फाइल्स, यहाँ आप जो भी दे सकते हैं मेन के, जिस तरह का आपने डाटा रखना हो, या कोर्सेज कोर्सेज, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी करेगा NTFS, तो फिर ये मेन के शो करवा देगा। यहाँ से आपने इसको फिनिश कर देना है। तो ये है मेन के आपको अभी शो करवा दें।
ये हमारी एक इधर कोर्सेज के नाम से मेन के डी फाइल एक क्रिएट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद आ जाती है हमारी, यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद आ जाती है हमारी ये जो पड़ी हुई है मेन के 90 GB, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक न्यू सिंपल वॉल्यूम की मदद से नेक्स्ट करके अपना जितना साइज़ देना है वो ध्यान से आपने दे लेना, जितनी जीबी आपने देनी है। तो अभी हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं 50 GB, हम 50 GB इसको देने लगे हैं। ये हमने इसको 50 GB दे दी, ये अभी मैंने नेम नहीं कुछ भी रखा, तो मैं फिनिश करता हूँ इसको। देखें आप, अभी आपके सामने एक फॉर्मेट हो गई है, फॉल जी के नेम से न्यू वॉल्यूम जी के नेम से फॉर्मेट हो गया आ गया। ये देखें, इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशन अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हमारी जी फाइल मेन के 50 GB की शो करवा रहा है, 48। ये मेन के डिवाइड होकर कुछ थोड़ी सी कम हो जाती है। आते हैं इधर, बाकी जो रह गया हम उसको वैसे ही राइट क्लिक करके, इधर से आप सिंपली नेक्स्ट करके जितनी बाकी है उसको प्रॉपर जो पूरी पड़ी है उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। एच के नेम से ये फाइल बनेगी मेन क्या, वो इधर से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं, ए बी सी डी वगैरह फाइल का मेन का नंबर। तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से भी नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें हमारी ये भी 41 GB की मेन की हमारी फाइल पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है, सॉरी। तो पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है, तो ये हमें आप देख सकते हैं मेन की 1 2 3, पहले हमारी 3 पार्टीशन थी, ठीक है। तो इनको हमने अब क्रिएट कर लिया, ये तो हमने क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमने क्रिएट तो कर ली, अगर हमें चाहिए कि हमें इसको दोबारा हम एक पार्टीशन में बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको कर देना डिलीट वॉल्यूम मीन के डी फाइल, अभी हमने डी को डिलीट वॉल्यूम किया मीन के वॉल्यूम किया, एलोकेटेड किया है इसको मीन के, ये अभी हमने अनएलोकेटेड किया है। तो ये देखें यहाँ से हमारी शो होना ख़त्म हो गई है, शो होना ख़त्म हो गया। तो इसके बाद आपने इधर देखें, तो इसको भी आपने डिलीट, जो भी आप कर रहे हैं देखें हमने किया लेफ़्ट साइड से इसको वॉल्यूम को डिलीट। अब हम कर रहे हैं दूसरी लेफ्ट साइड से, जो दूसरी फाइल है उसको डिलीट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को डिलीट किया। तो ये देखें मेन के, हमारे कहने का मकसद ये है कि ये देखें मैंने लेफ़्ट साइड के वॉल्यूम को डिलीट किया, ठीक है वॉल्यूम, उसके बाद उससे राइट साइड वाला मेन के ये मैंने डिलीट किया वॉल्यूम, उसके बाद मैं ये करूँगा तो हमारी लेफ़्ट साइड वाला जो है राइट साइड वाली वॉल्यूम के अंदर ऐड हो जाएगा प्रॉपरली। तो बात करने का मकसद ये है कि किस तरह से ये मेन के पार्टीशन इकट्ठी बनेंगी, मतलब सबको डिलीट करके आप एक में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेन के अभी 2 पार्टीशन मेन के हमने ख़त्म कर दी हैं, ये देख सकते हैं। तो एक जो हमारी बनी हुई है वो अभी हमने फॉर्मेट नहीं की, जिसकी वजह से वो लॉन्च नहीं हो रही, तो वो भी दिखाता हूँ। ये मेन के 68 GB की फाइल, 20 GB की वो मिला के, और दूसरी जो 50 GB की थी वो मिला के इकट्ठी हो रही है। तो अभी हम मेन के ये लेफ़्ट साइड वाली है मेन के, अगर आपको पंजाबी में भी समझना चाहते हैं मेन के, अगर आप चाहते हैं कि पंजाबी भी बोली जाए वीडियो में तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम पंजाबी ज़बान भी यूज़ कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। तो आप मेन के लेफ़्ट साइड जिमें, तो उसके बाद वही हम राइट साइड वाली भी जो वॉल्यूम है जो 41 GB की हमने क्रिएट की हुई है, ये देखें इसको हम डिलीट वॉल्यूम करेंगे ना तो ये खुद ब खुद ही ये इसको
ये जो 68 GB की फाइल है इसको इसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। ये एक फाइल, एक पार्टीशन क्रिएट कर देगा। ये देखें, हम इसको डिलीट करते हैं, तो ये अभी देखें 110 GB, 10.GB, 10.35 GB, ये मेन केस ने शो करवा दिया है। हमारी ये जो एक फाइल है वो बना दी है, ये अभी अनएलोकेटेड है। तो अनएलोकेटेड होने की वजह से इसको मेन के एलोकेटेड बनाने के लिए आपने यहाँ से सिंपली जिस तरह पार्टीशन क्रिएट किए थे, अनएलोकेटेड तब करते हैं जब हमें पार्टीशन करनी होती हैं, और उसके बाद जब हमने इसको शो करवाना होता है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे सिंपली न्यू सिंपल वॉल्यूम। और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, फिर भी बता देते हैं। तो यहाँ से ये जो फाइल का सारा मेन के MBs है वो शो कर पा रहा है कि इतने की आपने क्रिएट करनी है। अगर फिर से आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप फिर से यहाँ से कर सकते हैं, तो अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो क्योंकि इसी को ही दोबारा करना चाहते हैं एक पार्टीशन में, तो नेक्स्ट करते हैं डी फाइल के नेम से ही हमने सेव करना है। बाकी सब यही यही कुछ लेबल भी हमने यही रखना है, तो नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखें फॉर्मेट हो गया हमारी दोबारा से, डी फाइल ये देखें शो हो गया, फॉर्मेट हो गया, ये हमारी डी फाइल आ गई है। तो ये देख करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसकी मदद से दोबारा से अपने सिस्टम की पार्टीशन कर सकते हैं। तो यार जो नए यूज़र हैं वो मेन के सिस्टम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, न्यू अपडेट के लिए। तो इंशाल्लाह हैकिंग की प्रॉपर नॉलेज जो होगी वो भी शेयर करेंगे, और जल्द से जल्द हम वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर आप कहते हैं तो आप पहले ही हम इनके पोस्ट कर देंगे वेबसाइट को कोर्सेज़ की। तो वैसे तो थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पर लेते रहेंगे, और कोर्सेज़ जो होंगे हमारे, हमारी टीम के जो हमने क्रिएट किए होंगे वो आपको शेयर करेंगे उधर वेबसाइट पर। अगर आप कमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो 1K सब्सक्राइबर के बाद हम लॉन्च करेंगे, नहीं तो फिर आप अगर चाहते हैं कि हम पहले करें तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, तो हम इंशाल्लाह, और सपोर्ट करें भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को, तो अगर आप बता देंगे तो हम पहले भी, अगर आपकी सपोर्ट हुई, अगर आप चाहते हुए भी हम करें तो आप हम पहले भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा सब अपना।